कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि कॉलेज में स्टडी के मीडियम क्या होते हैं? सो डोंट वरी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी डिस्कस इस वीडियो में करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, एग्जैक्टली आज की जो हमारी वीडियो की जो टॉपिक होगी वो कॉलेज से ही रिलेटेड है। मैं इसमें आपको बताऊंगी कि कॉलेज में जो स्टडी के मीडियम होते हैं वो कौन से होते हैं। बहुत सारे यूनोडेट स्टूडेंट होंगे जो कॉलेज में एडमिशन लेंगे या लेने वाले हैं, तो उनको इस प्रकार की डाउट होती है कि आखिर कॉलेज में मीडियम कौन सी होती है, हिंदी मीडियम भी, बंगाली मीडियम भी, इंग्लिश मीडियम, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कन्फ्यूज़न होते हैं, तो यही कन्फ्यूज़न आज मैं आप लोगों को दूर करने आई हूँ इस वीडियो में। आपको स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक में डिस्कस करूंगी और सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को फर्स्ट से लेकर इन तक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, प्रेसिंग द बेल आइकॉन, बिकॉज आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे वीडियो को प्रेस कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे जितने भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो फ्रेंड, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए चलते अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज के स्टडी का कोई मीडियम नहीं होता है, इसको कोई मीडियम पे कवर नहीं किया जाता। आपके यूनिवर्सिटी पे कवर किया जाता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बा आप यू में जाते हैं, बस यू में जाते हैं, बा यूग्नू में जाते हैं, या अदर कंट्रीज के हैं तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है उसमें जाते हैं। तो इस तरह से कॉलेज में यूनिवर्सिटी को कवर किया जाता है, मीडियम को कवर नहीं किया जाता है। सो गाइस, हम आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें कि जब आप फर्स्ट टाइम कॉलेज में जाते हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और बंगाली मीडियम, तीनों मीडियम के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। तो कॉलेज में सबसे इंटरेस्टिंग बात यही होती है कि आपको तीनों मीडियम के स्टूडेंट देखने को मिल जाते हैं। सपोज मान लीजिए कि देखिए, स्कूल में क्या होता है, स्कूल्स के रूल्स अलग होते हैं। आपके स्कूल्स में हिंदी मीडियम के स्कूल मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम के स्कूल मिलेंगे, बंगाली मीडियम के स्कूल मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कॉलेज में ऐसा रूल्स नहीं है, इसमें मीडियम को कवर नहीं किया जाता, इसमें यूनिवर्सिटी को कवर किया जाता है, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहे आपको तीनों मीडियम के स्टूडेंट देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है, कॉलेज में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि आपको तीनों मीडियम के स्टूडेंट देखने को मिल जाते हैं। तो मान लीजिए आपको जो लैंग्वेज नहीं भी आती है तो वो सीखने को आपको मिल जाता है। यू नो डैट मैंने अपने कॉलेज में ये एक्सपीरियंस किया है। मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताऊँ कॉलेज के बारे में, तो यू नो डैट मुझे भी ऐसा ही क्वेश्चंस हुए थे कि क्या जो कॉलेज होते हैं उसमें भी कोई मीडियम होता है या सभी मीडियम आपस में मिक्स होते हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में गई तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सभी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में मिले हुए रहते हैं, मतलब तीनों मीडियम के स्टूडेंट हमारे कॉलेज में देखने को मिलता है। तो मैंने तो यू नो डैट कि मुझे थोड़ी बहुत बंगाली आती थी, बट उतना अच्छे से नहीं आता था, क्लियरली नहीं आता था। जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पर कुछ बंगाली मीडियम के स्टूडेंट थे, तो उनसे मैंने आपस में बातें किया तो मुझे थोड़ा बहुत बंगाली भी सीखने को आ गई। तो इससे आपके बहुत सारे बेनिफिट हो जाते हैं जब हर तरह के मीडियम के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दिया कि कॉलेज में मीडियम से कवर नहीं किया जाता है, आपका यूनिवर्सिटी से कवर किया जाता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, आपके तीनों तरह के मीडियम के स्टूडेंट देखने को मिलते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है कॉलेज वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आपके तीनों मीडियम के स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड बन जाते हैं, आपको सभी लैंग्वेजेस आपको जानने को मिल जाता है। और सबसे मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात करूँ तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट का यहाँ पे बहुत बेनिफिट हो जाता है, बिकॉज हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं कॉलेज में जाने के बाद आपको इंग्लिश में लिखना पड़ता है, ठीक है। आपका क्या होता है, देखिए बंगाली वर्सन के स्टूडेंट जब कॉलेज में जाते हैं तो उन्हें बंगाली में राइट करनी पड़ती है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जब उन्हें क्या होता है, इंग्लिश में ही लिखना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज चूज करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, ये UGC की तरफ ये यूनिवर्सिटी का रूल्स है कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है कॉलेज में जाने के बाद उनका इंग्लिश लैंग्वेज कर दिया जाता है। आप यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, आपको जो लैंग्वेज UGC की तरफ से है, यूनिवर्सिटी की तरफ से है, उसी में आपको लिखना पड़ता है, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। तो आपका इंग्लिश हो जाता है, तो आपका क्या होता है, आप तो हिंदी लैंग्वेज जानते ही हैं, साथ में आपका इंग्लिश का भी एक्सपीरियंस हो जाता है, और साथ में जो बंगाली मीडियम के फ्रेंड्स होते हैं उससे आपस में फ्रेंडली होने पर, थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस में बात करने पर आपको बंगाली मीडियम भी आ जाता है। तो यू नो डैट मैं सबसे पहले अगर बता दूँ तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है कॉलेजेस में, अगर मीडियम की बात करें तो उनको तीनों लैंग्वेजेस के बहुत अच्छे से जानकारियां हो जाती है। सो देखा फ्रेंड्स, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कॉलेज के स्टडी के मीडियम क्या होते हैं आपको सारी जानकारियां इस वीडियो में दे रखी है। सो फ्रेंड्स, कॉलेज में सब तरह के मीडियम के स्टूडेंट आपको देखने को मिलती है, सबसे इंटरेस्टिंग कॉलेज स्टूडेंट के लिए बन जाता है। कॉलेज
कॉलेज में यूनिवर्सिटी को कवर किया जाता है, मीडियम को नहीं। आप किस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहते हैं उस सभी तरह के मीडियम के स्टूडेंट देखने को मिल जाते हैं, स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और बंगाली मीडियम। ये तीन तरह के मीडियम के स्टूडेंट आपके हर यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिट टू यू, वेरी हेल्पफुल टू यू। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार के डाउट है तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, मैं नेक्स्ट दिन उसी से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगी। फिर मिलते एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। सी यू अगेन एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।